आपका मेरे किचन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको वाइट छोले, पंजाबी छोले, अमृतसर छोले, बहुतों के लोगों ने इनको कई कई तरह के नाम दिए इस चने को। ये बहुत ही फेमस रेसिपी है, स्पेशली पंजाब की ये स्पेशल डिश है और वहाँ पर ज़्यादा फेमस है और बहुत ही लोग इसे चाव से खाते हैं। तो हम छोले बनाना बताते हैं आपको कि किस तरह से बनाए जाते हैं। इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से इन्ग्रीडियंट्स की हमें लेने की ज़रूरत है, आइए हम जानते हैं। ये छोले हैं, इसे मैंने उबाल के रख लिया है। अगर आप चाहें अच्छे, अगर आप उबालने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर आप पूरी नाइट इसको भिगो दें तो जल्दी से ये उबल जाते हैं, लेकिन आप 2 घंटे इसको भिगो के रख दें पानी में, उसके बाद इसको बॉयल करें। 5 या 6 सीटी आने पर ये अच्छे से उबल जाएंगे और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और ये छोले हमारे उबल चुके हैं। ये टमाटर प्यूरी, मैंने 3 टमाटर लिए थे, उसको मिक्सी में बड़े 4 टुकड़ों में काट के इसको ग्राइंड कर दिया, इसका पेस्ट बना लिया है। टमाटो प्यूरी है ये, और ये 10-12 कलियाँ लहसुन, 1-1.5 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक, 2 हरी मिर्च, ये पेस्ट मैंने ग्राइंड कर लिया है, और प्याज 4 प्याज लिए हैं। इन सबको इकट्ठा करके मैंने मिक्सी में प्याज के टुकड़ों को काट के पीस कर ये पेस्ट तैयार कर लिया है। और ये तड़के के लिए ये खड़े मसाले हैं, लिए मैंने 12 या 15 काली मिर्च है, ब्लैक पेपर, और ये इलायची है, छोटी इलायची, और ये बड़ी इलायची, और ये दालचीनी। ये तड़के के लिए ऑयल 2 या 3 टेबलस्पून है। ये चना मसाला 2 चम्मच, गरम मसाला है 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, साबुत जीरा, क्यूमन सीड्स 2 चम्मच, ये कोरिएंडर पाउडर है 2 चम्मच, टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर है 2 चम्मच, नमक आप टेस्ट के हिसाब से डालें। आइए हम तड़के की तैयारी करते हैं। गैस ऑन कर दिए मैंने, कढ़ाई मैंने पैन नॉनस्टिक पैन लिया, आप किसी भी कढ़ाई में इसको बना सकते हैं। मैंने पैन ले लिया, पैन को आप थोड़ा हीट होने दें, इस पैन को हीट अप करने होने दें थोड़ा सा। ये हमारा पैन गर्म हो गया है, मैं 1, 2 और ये 2.5 टेबलस्पून मैंने ये ऑयल लिया है। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा हम साबुत जीरा और धनिया पाउडर इसमें डालेंगे, और खड़े मसाले भी हम इसमें सबसे पहले तो खड़े मसाले डालेंगे अपने। बस ये ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हम ये डालेंगे। ये बड़ी इलायची, छोटी इलायची 4, दालचीनी, ये काली मिर्च, ब्लैक पेपर। जैसे ये भुनने शुरू हो गए अब आप इसमें ये जीरा 2 चम्मच जीरा, आप फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर दें या लो कर दें, धनिया पाउडर, ये हो गया है। मैं ये ऑनियन, 2 हरी मिर्च और लहसुन 10-12 कलियाँ उसका पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। इसको कुक होने देंगे हम ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो चला जाए। देखिए हमारा पेस्ट ने कलर भी चेंज कर दिया और ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। ये हमारा बन चुका है। ये टमाटर का पेस्ट है, 3 टमाटर मैंने लिए, इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, मैंने डाल दिया। अच्छे से कुक होने दें 4 या 5 मिनट तक इसको। अब मैं ये हल्दी पाउडर 2 चम्मच, ये कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर
एक चम्मच ले रही हूँ क्योंकि मैंने खड़े मसाले यूज़ किए हैं। ये चना पाउडर है एक चम्मच, दो चम्मच और तीन चम्मच। अच्छे से मिक्स होने दीजिए सभी मसालों को। चार या पाँच, दो या तीन मिनट तक इसे कुक होने दें क्योंकि हमारे टमाटर ऑलरेडी कुक हो चुके हैं, इसलिए मसाले भी थोड़ा इसमें मिक्स हो जाएं, तो हम इसमें छोले ऐड करेंगे। और देखते हैं दो मिनट बाद ग्रेवी अच्छे से हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें छोले ऐड करेंगे। चिकपी डाल रहे हैं हम इसमें। अब छोले मैंने डाल दिए हैं, छोलों को आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए ताकि सारे मसाले। अगर आपने ड्राई छोले बनाने तो बिल्कुल सेम यही मेथड है ड्राई छोले बनाने का। आप चाहें तो इसमें बिल्कुल भी पानी ना डालें तो ये ड्राई छोले आपके बिल्कुल रेडी हैं। बस 5 या 10 मिनट तक इसको कुक होने दें तो ये ड्राई छोले बन जाएंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि थोड़ी सी ग्रेवी मुझे चाहिए। मैं ये पानी, एक कप पानी मैं यहाँ पर ले रही हूँ। मैंने एक कप पानी यूज़ किया है। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो थोड़ा सा और पानी डाल सकते हैं। अब इसे 10 मिनट तक कुक होने दें और मैं अभी इसमें नमक डाल देती हूँ पहले टेस्ट के। मैंने 2 चम्मच 2.5 चम्मच जब चने उबाले थे तो मैंने डाले थे, तो मैं यहाँ पर सिर्फ 1 चम्मच ही नमक लूँगी। 1.5 टीस्पून चम्मच दिया है मैंने नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लें आपने किस तरह से खाना है। तो अब इसे 10 मिनट के लिए कुक होने दी, 10-15 मिनट के लिए कुक होने दी, मीडियम फ्लेम पे कुक होने दें। 15-20 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं हमारे छोलों का। अरे वाह कितना अच्छा कलर आ गया है, ये देखिए हमारे छोले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मैं गैस ऑफ कर देती हूँ, बिल्कुल रेडी हैं हमारे छोले। अब हम इसकी अपने प्लेटिंग करते हैं। मैंने ग्रीन कोरिएंडर बारीक बारीक काट लिया है, गार्निश के लिए ले रही हूँ। आप भी कर सकते हैं ये, आप किसी और तरीके से भी इसको सजा सकते हैं। मैं सिंपल ग्रीन कोरिएंडर ले रही हूँ और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। हमारे छोले खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, इतनी अच्छी, सारे मसाले हमारे छोलों में ऑब्जर्व हो चुके हैं, ये अपनी खुशबू बहुत बिखेर रहे हैं और हमारे पंजाबी छोले रेडी हैं। हमारे छोले खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। छोले बने हैं तो आप भटूरे भी बनाइए, और भटूरे के बिना तो छोले अधूरे हैं। हमारे पंजाबी छोले खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, आप खाइए बनाइए। और मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है तो मेरी रेसिपी के ठीक नीचे वीडियो का एक बटन है उसे ज़रूर दबाएँ, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद, बाय बाय।